दोस्त, क्या बना रहे हो आज? आज मैं बना रही हूँ आपके लिए पिज्जा। ठीक है, फर्स्ट मैं आइस से ग्लास अपना चिल भी करने की कोशिश करूंगी और उससे फ्लेवर भी मिल्ट होगा। आइस क्यूब इन माई शेकर पीच सिरप। ये सिरप होता है नॉन अल्कोहलिक होता है, थोड़ा सा मीठा होता है, साथ में फ्रेग्रेंस देता है। ऑरेंज बेस विस्की रहेगी ना? नहीं, हाँ मेरे पास ऑरेंज में बिटर है। मैंने पाइन एप्पल जूस लिया है, सिचियमन सिग्नेचर ड्रिंक है मेरी। कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको? 6 इयर्स से काम कर रही हूँ फ्रीलांसर बार्टेंडर। ओके, 15 ml मैंने लाइम जूस यूज किया है इसमें। ठीक है, और 60 बताया जाता है, 45 हम यूज करते हैं अल्कोहल। मैं स्कॉच से बना रही हूँ, टेनेसी और जिम बीम इसमें हम यूज करते हैं। अभी आप इसमें गोल्ड लेवल डाल रहे हो? गोल्ड डाला है मैंने। अब मैं शेकर को अपने अब मैं इसको शेक करूंगी, हार्ड शेक करूंगी, जिससे कि बिस्किट के साथ जो हमने मिक्सचर डाले वो अच्छे से फ्लेवर दे सके। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपका नाम ऑब्वियसली लिखा ही हुआ है, रोज, एंड 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपको होटल इंडस्ट्री में। ओके, मैं प्लेयर बार टेंडर हूँ। ओके, और हाल फिलहाल सीजन का वेटा, सो मैं अपना हार्ड शेक करने के बाद और करी पीच का फ्लेवर आप ले पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मारा है हमने टेस्ट, स्पाइसी टेस्ट ना है। ठीक, थोड़ा स्वीट साइडर, स्वीट साइडर रहेगा, थोड़ा सार भी होगा क्योंकि ये पीच ही सार है। ओके, श्योर सर, थैंक्स सर, मोर श्योर सर। नाउ आई एम यूजिंग होममेड बिटर है मेरा ये। ओह वेरी नाइस, ये स्प्रे बोतल मैंने ली थी स्टार एनिस और ऑरेंज का होममेड बिटर है। वेरी नाइस, तो मैं इसे नाइसली स्प्रे करने वाली हूँ जिससे आपको इसका टेस्ट आ जाए। ऑरेंज स्लाइस मून है, मैं ऑरेंज स्लाइस लगाती हूँ आपको। अरे वेरी नाइस, गाइस कितना सुंदर लग रहा है, एकदम बिल्कुल आपकी तरह। वेरी नाइस, मतलब ना एक आप ही हैंडसम लग रहे हैं आज। अरे थैंक यू सो मच मैम, ये बैलेंस आउट कर दिया हमने, बट वेरी नाइस। और ना आपने जैसे बनाया ना, पता लग रहा था यू आर वेरी एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। अरे वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। रोज राइट? यस आई एम रोज। सही है, आपका किसी को मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा ये, तो आप अपना इंस्टाग्राम बता दो। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग ड्रिंक दैट रोज। श्योर करते हैं अभी ट्राई, लाइक मुझे बताया कि आपको पसंद आने वाला है। चलो ठीक, थैंक यू सो मच गाइस। देखिए हमारी ये ड्रिंक जो है तैयार हो गई है बहुत बढ़िया तरीके से। अभी मैं एक दोस्त की शादी में आ रखा था गुड़गांव के अंदर, एम्बियंस मॉल में जो है ये शादी है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी। यार देखो नॉर्मल शादियां तो होती रहती हैं, बट ऐसा कुछ जो है बहुत कम देखने को मिलता है कि आपको जो है कॉकटेल भी कस्टमाइज तरीके से मिले, तो मेरे को तो बहुत पसंद आई। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने दोस्त की शादी में आया और ये ट्राई कर पाया, तो आई विल एंजॉय दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा इस लाइक और कमेंट करना मत भूलना, एंड आपकी कौन सी फेवरेट कॉकटेल है कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।